नाज़रीन, बाबा का जिक्र हो तो जहन में आता है बोसीदा कपड़े जेबतन किए छोटी सी दुकान में खड़ा एक मामूली सा शख्स, जिसकी कुल सर्वत शायद ही एक मकान और एक दुकान से बढ़कर हो। ताहम आज हम जिस हज्जाम का जिक्र करने वाले हैं, उसका नाम अरब पतियों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये रमेश बाबू है जो आज 400 से जायद लग्जरी गाड़ियों का मालिक है। मगर हैरत की बात यह है कि ये मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं रमेश ने जमीन से आसमान तक का सफर कैसे तय किया। मैं हूं शेख अवैस और आप देख रहे हैं रईस ज़ादे। नाज़रीन ग्रामी, रमेश बाबू भारत के शहर बेंगलोर में एक हज्जाम के यहाँ पैदा हुआ। 1979 में वालिद की वफात के वक्त उसकी उम्र महज 7 साल थी। घर वालों की किफालत के लिए उसकी मां ने घरेलू मुलाजमा की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया, जबकि वालिद साहब की तरके में छोड़ी हुई हज्जाम की दुकान उनके एक अजीज चलाने लगे, जो उन्हें 5 रुपए यौमिया दिया करते थे। 5 रुपए की ये मामूली रकम रमेश और उसके बहन भाइयों के तालीमी और दीगर अखराजात भी पूरे नहीं कर पाती थी। चुनाचे उसने मुख्तलिफ काम करके घर का बोझ उठाने की कोशिश की। रमेश जब 19 बरस का हुआ तो उनकी दुकान चलाने वाले ने उनका 5 रुपए यौमिया वजीफा बंद कर दिया। चुनाचे उसने अपनी दुकान खुद चलाने का फैसला किया और पढ़ाई के साथ साथ हिजामत का काम भी करने लगा। 1994 में रमेश ने अपनी तमाम जमा पूंजी इकट्ठी की और कुछ रकम बैंक से कर्ज लेकर एक पुरानी मारुति वैन खरीदी और किराए पर लगा दी। इस कारोबार से उनकी जिंदगी में बेहतरी तो आई, उसने संजीदगी से रेंट कार का काम शुरू करने का सोचा। रमेश रफ्ता रफ्ता अपनी कारों में इजाफा करने लगा और 2004 तक उसके पास 6 कारें हो गई। तब तक उसने अपनी हज्जाम की दुकान पर भी तवज्जो बरकरार रखी, क्योंकि मुसाबकत के सबब रेंट कार के कारोबार में मुनाफे की शरह कम होने लगी थी। चुनाच उसने लग्जरी गाड़ियां किराए पर देने का सोचा और बे इंतहा मुखालिफत के बावजूद 38 लाख रुपए मालियत की मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, जो उसकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला साबित हुआ। ये वो वक्त था जब बेंगलोर में इतनी महंगी गाड़ी किसी रेंट कार के पास न थी। बाद हजार उसने एक के बाद एक लग्जरी कार खरीदी और कारोबार को तरक्की देने लगा। आज रमेश की मिल्कियत में 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जिनमें 75 BMW, टोयोटा इनोवा, ऑडी और रोल्स रॉयस जैसी बेश कीमत गाड़ियां शामिल हैं। दुनिया की बेश कीमत गाड़ियों और वसी कारोबार का मालिक होने के बावजूद रमेश ने अपना खानदानी काम नहीं छोड़ा और बेंगलोर में इनर स्पेस के नाम से अपना सैलॉन चलाते हैं। रमेश रोजाना सुबह 8 से 10 बजे तक सैलॉन पर ग्राहकों की जुल्फे तराशते हैं। 10 बजे से 4 बजे तक वो रेंट ए कार की बिजनेस को देखते हैं और फिर दोबारा अपनी दुकान पर वापस आकर 3 घंटे बतौर हज्जाम काम करते हैं। अगर आपका कभी बेंगलोर जाना हो और हजामत बनवाने के लिए किसी से वहां के मशहूर सैलॉन का नाम पूछे, तो यकीनन वो एक लम्हे सोचे बिना इनर स्पेस का नाम ही लेगा। इस दुकान में आपकी मुलाकात आला पुलिस हुकाम, सियासतदानों और बॉलीवुड के मशहूर खान्स सलमान और आमिर से भी हो सकती है। लेकिन इस दुकान की वजह शोहरत इन मशहूर शख्सियात की मौजूदगी नहीं, बल्कि रमेश बाबू है, जिन्हें अरबपति हजाम के नाम से याद किया जाता है। रमेश बाबू जुल्फों को तराशने का मुआवजा महज 100 रुपए लेते हैं, लेकिन इनसे बाल तरशवाने के लिए आपको पहले से वक्त लेना पड़ेगा। और आप वक्त लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका शुमार यकीनन उन खुशकिस्मत लोगों में होगा, जिन्हें उन हाथों से बाल कटवाने का शर्फ हुआ जो 3 करोड़ से जायद मालियस की रोल्स रॉयस चलाते हैं। दुनिया की बेश कीमत गाड़ियों और वसी कारोबार का मालिक होने के बावजूद रमेश इज्जत किसारी का नमूना है। वो अब भी अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों के साथ उसी तरह खुश अखलाकी से पेश आते हैं। रमेश का कहना है कि मुझे आज भी रोल्स रॉयस के किराए से मिलने वाले 1000 रुपए से ज्यादा खुशी अपनी दुकान पर ग्राहकों से मिलने वाली 100 की रकम वसूल करके होती है। आज मेरे सैलॉन पे 6 अफराद काम करते हैं, लेकिन मुझे खुद अपने ग्राहकों की खिदमत करना ज्यादा पसंद है। ये बात मुझे माजी से जोड़े रखती है। ये मेरा खानदानी काम है और जब तक मेरे हाथ सेहतमंद है, मैं लोगों की जुल्फे तराशता रहूंगा। आखिर मैं आपको ये दिलचस्प हकीकत भी बताते चलें कि 1994 में खरीदी गई मारुति वैन आज भी उनके पास मौजूद है और वो उसे किसी को किराए पर नहीं देते। तो नाज़रीन, हम जानना जरूर चाहेंगे कि आपको रमेश बाबू की कहानी कैसी लगी। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और रईस ज़ादे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।